हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर चुके थे लूसेंट से संबंधित विषय सूची को कि हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या इसमें। तो हम लोग देख रहे हैं लूसेंट जीके, लूसेंट सामान्य ज्ञान। तो चलिए विषय सूची देख ली थी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में। अब इसमें बात करते हैं हम लोग प्राचीन इतिहास को शुरू करते हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश कहा तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। तो याद रखिए, भारतवर्ष को भरत का देश भी कहा जाता है, यहाँ के निवासियों को भारतीय यानी कि भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है भारत को। अपने भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है, याद रखिए, प्राचीन भारत, त्रय मध्यकालीन भारत और त्रय आधुनिक भारत। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं प्राचीन भारत के बारे में। किसके बारे में? प्राचीन भारत के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। ये कौन कौन से हैं? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, तथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। याद रखिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वापायन वेद व्यास को माना गया जाता है। वेद चार हैं, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, त्रय यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऋग्वेद के बारे में। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 मतलब 1028 सूक्त, बाल्यकिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित हैं और इसमें ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत कहा जाता है। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो याद रखिए, जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है वो गायत्री मंत्र से संबंधित है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खे कहा जाता है। चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों हैं। कौन कौन से चार वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। इन चारों वर्णों का कहाँ से उत्पन्न है? तो पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघों से और चरणों से। ठीक है, फिर बात करते हैं धर्म सूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। 52 भावना अवतार की तीन पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत इन ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र के लिए कितने हैं? 250, याद रखिए, और
अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। फिर प्राचीन इतिहास किस साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। फिर आता है ये ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद। सास्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधैर्य युग कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो याद रखिए यजुर्वेद है। फिर आ जाता है हमारा कौन सा आ जाता है, सामवेद। यह गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्धात कहते हैं। इससे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा चुका है कि भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहते हैं। तो ये है सामवेद। कौन सा, सामवेद। ठीक है। फिर है हमारा अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्राश्चित, औषधि अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महामत्य आदि विविध विषयों के से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है अथर्ववेद में। इसके सभा तथा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बात याद रखिए यहाँ क्या है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे बात का वेद है अथर्ववेद। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। ठीक। फिर बात करते हैं भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता पुराणों की लौ महर्षि अथवा इसके पौत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है पुराणों की। ठीक है। जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है, याद रखिए। यहाँ देख लेते हैं पुराणों संबंधित वंश देख लेते हैं। तो याद रखिए विष्णु पुराण किससे संबंधित, कौन से वंश है, मौर्य वंश। मत्स्य पुराण तो ये आंध्र सातवाहन वंश। वायु पुराण तो ये गुप्त वंश। विष्णु पुराण किससे संबंधित है, मौर्य वंश। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है, आंध्र सातवाहन। वायु पुराण गुप्त वंश। आगे बात करते हैं अधिकतर पुराणों पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे पुराण सुन सकते थे। किनकी बात कर रहे हैं ये, याद रखिए स्त्रियां और शूद्र, महिलाओं और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, याद रखिए। ठीक है। इन्हें केवल जो लोग सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करता था। ठीक है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। कौन सी, नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बौद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित हैं। हीनान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु। हीनयान ये बौद्ध शाखा थी एक, जिसके महात्मा बौद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। इसमें जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिक के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, याद रखिए अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य ने लिखी थी। ठीक। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। यहाँ सबसे पहले याद रखिए अर्थशास्त्र है किसने लिखी थी, चाणक्य ने। कई बार पेपरों में पूछा चुका है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। कौन सी, अर्थशास्त्र। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इससे में संस्कृत
साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण द्वारा किया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? राज तरंगनी, जिसका संबंध कश्मीर से है। तो याद रखिए, अर्थशास्त्र लिखी थी कौटिल्य ने, जिनका चाणक्य नाम है, और कल्हण ने लिखी है राज तरंगनी, जिसका संबंध कश्मीर से है, राज तरंगनी का। और अर्थशास्त्र का था मौर्य वंश से संबंधित। अरबों का सिंध विजय का वृतांत चचनामा अली अहमद ने लिखा था, मैं सुरक्षित है, ठीक है। चचनामा कितने लिखा? अली अहमद ने। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, इसका लेखक है पाणिनि। पाणिनि इसके मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है इससे, अष्टाध्याय से। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, पतंजलि। इनके महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है इससे। अब बात करते हैं हम लोग विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनानी रोमन लेखक, तो ये थे टेसियस। कौन थे? यूनानी लेखक टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। फिर हमारे हेरोडोटस, से इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, याद रखिए। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुस्रोतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। टेसियस, हेरोडोटस। फिर बात करते हैं सिकंदर के समय आने वाले लेखक में नेरियाकस, आनिसिकेटस, आस्टोबुलस की विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। फिर बात करते हैं मेगस्थनीज, यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक लिखी है इंडिका में, मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका, याद रखिए। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। फिर आता हमारा डायोनिसियस, यह मिस नरेश टॉलमी फिडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। भारत का भूगोल किस नामक पुस्तक किसने लिखी? टॉलमी ने। फिलेनी, इसके प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। फिर आता है हमारा पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये पुस्तक है, याद रखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। लेखक, यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा में पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। फिर आते हैं हमारे चीनी लेखक फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। फिर आया संगुन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। फिर आया हुएनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल के में भारत आया था। हुएनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम और भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। भारत के 15 वर्षों तक ठहर कर इसने 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका विवरण वृत्तांत सी योगी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हरिशकालीन समाज धर्म राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शुद्ध था।
बात करते हैं ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे आचार्य सीलवत थे। फिर है इत सिंह, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। फिर है अरबी लेखक अल बरूनी, यह है अरबी लेखक है अलबरूनी, यह महबूब गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिल तहक या तहकीक ए हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकार के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज धर्म रीति रिवाज राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अन्य लेखकों के बारे में बात करें तो तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगियोर तंगियोर नामक ग्रंथों की रचना की। इसने भारतीय इतिहासकार के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो के बारे में बात करें तो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। फिर बात करते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। 1400 ईसवी पूर्व में के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र नासत के नाम से मिलते हैं। मध्यकालीन भारत में भागवत धर्म विशेष विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत होलियोडोरस के वैष्णगर विदिशा गरुण स्तंभ लेख से मिलता है प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम भारतवर्ष की जिग के हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक मिलता है हाथी गुफा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहे गोरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भित्री स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती पिता का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। रेशभ पुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण अभिलेखों को भी देख लेते हैं। हाथी गोपा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। कलिंग राजा खागेल खाखेल फिर जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन से। नासिक अभिलेख शासक गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, फिर है मंदसौर अभिलेख तो ये मालवा नरेश यशोवर्धन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख ये इतिहार नरेश बोस से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। आगे बात करते हैं हम लोग अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाती है। कश्मीरी नवपाषाण एक पुरास्थल बुरजहोम से कर्तावास गड्ढा का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को 8 सिक्का कहा जाता था। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई वी मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो फिर पहले लेक्चर सब्जेक्ट में हमने बात किया है, क्या किया? प्राचीन भारत के बारे में इतिहास के। उसी में पहला चैप्टर हमने देखा है इसके स्रोत, प्राचीन भारत के स्रोत। ठीक है, चलिए तो हम लोग लूसेंट देख रहे हैं सामान्य ज्ञान। इसी कड़ी में हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित, याद रखे, कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, इसका मतलब है, याद रखिए, घटनाओं का जो कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। जो लिखे लिखा गया नहीं है उस टाइम पर उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। इसका मतलब क्या हुआ? इतिहास उसे कहते हैं जिसका कोई विवरण लिखा हुआ है रूप है और
बिना लिखे हुए कोई लिखित विवरण नहीं है उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के विचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं उस काल को, लेखन की कला तो प्रचलित थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता, याद रखिए। ज्ञानी मानव होमोसीपियस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग की मानव की जीविका का मुख्य आधार सिकाल था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। तो आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल में, याद रखिए। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। कब हुई? मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में। तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। तो कई बार पूछा जा चुका है जी, क्या पूछा गया कि सबसे पहले किस जानवर को मनुष्य ने पालतू बनाया था? तो याद रखिए, एक कुत्ता, डॉग। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, याद रखिए, तांबा धातु का प्रयोग मनुष्य ने सर्वप्रथम किया था। उसके बाद बनाया जाने वाला प्रथम औजार था कुल्हाड़ी। प्राप्ति स्थल है इसका अतीर अतीर मक्कम मपकम। ठीक है, सबसे पहले कौन सा औजार बनाया मानव ने? कुल्हाड़ी। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल है गेहूं और जौ। तो कौन कौन सी है? गेहूं और जौ। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरातन पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व बिस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो था। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक, चलिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल को देख लिया, अब बात करते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता को। ठीक है, किसे? सिंधु सभ्यता को देखते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। तो याद रखिए, रेडियो कार्बन के तहत सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कौन सी है? 2350 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम सैनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम सैनी ने। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरातन स्थल सूतकांगे डोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है, उत्तरी पुरास्थल मांडा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर में, दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता या सिंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये 6 नगर हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी,
एवं कालीबंगन। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। तो याद रखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? गुजरात में खोजे गए। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। कौन से? लोथल और सुतकोतदा। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अंडागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बेहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल कहाँ कहाँ से? अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्मदा की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सिंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंद्रदुड़ में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाई से बाई और दूसरी पंक्ति बाई से दाई ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। याद रखिए, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए थे। सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्त्र पंजर भी मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। यहां देख लेते हैं, सिंधु घाटी में विदेशी व्यापार भी होता था, तो आयातित वस्तुएं किस प्रदेश से होती थी ये सब देख लेते हैं। तांबा की बात करें, तांबा तो ये खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से होती थी, इसकी आयातित होती थी आयात होता था। चांदी की बात करें तो अफगानिस्तान ईरान से होता था। सोना की बात करें तो कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से होता था। फिर टिन की बात करें तो अफगानिस्तान ईरान से होता था। गोमेद तो याद रखिए ये सौराष्ट्र से होता था। लाजवर्द तो ये मेसोपोटामिया से होती थी इसकी आयात। सीसा की बात करें तो सीसा ईरान से आता था। ठीक है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति के शासन वर्डिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने किसने पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। याद रखिए, सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सिंधु सभ्यता में मात देवी की उपासना सर्वाधिक विचलित थी। पशुओं में कुवड़ वाला सांड
इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सैंधववासी सिंधु सभ्यता के व्यक्ति मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में विचलित थी, याद रखिए। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं विचलित थी। समय हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। तो हड़प्पा में कौन सी प्रथा थी? शवों को दफनाने की, मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेरा कोटा कहा जाता था। अब बात कर लेते हैं हम लोग सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति उनकी। ठीक है, इन सबको याद कर लेना क्योंकि इनसे एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे प्रमुख स्थल हो गए, ये नदी हो गई जिस किनारे हैं ये शहर हैं, उत्खनन करता हो गए, वर्ष हो गया है, स्थिति हो गई वर्तमान स्थिति। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के। इसके उत्खनन करता कौन थे? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। इन्होंने कब की ये खोज? तो याद रखिए 1921 में। वर्तमान स्थिति क्या है हड़प्पा की? तो पाकिस्तान का मोंट गोमरी जिला। फिर है मोहनजोदड़ो, तो ये सिंधु नदी के किनारे हैं। राखल दास बनर्जी ने उत्खनन करता थे इसके 1922 में, ने उत्खनन करवाया। ये वर्तमान में स्थिति है इसकी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला है इसका। फिर है चंद्रदेड़ू, कौन सा है? चंद्रदेड़ू, तो ये सिंधु नदी के किनारे। गोपाल मजूमदार ने इसकी उत्खनन करवाया 1931 में, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। ठीक है, याद रखिए। फिर है कालीबंगन, तो एक घंघर नदी के किनारे है। कौन से? घंघर नदी, घग्घर नदी। इसके उत्खनन करता है बीबी लाल एवं बी के थापर। 1953 में इसका उत्खनन हुआ। इसकी वर्तमान स्थिति है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। फिलहाल कोट दीजी, ये सिंधु नदी के किनारे है। फजल अहमद ने इसकी खुद उत्खनन करवाया था 1953 में। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है इसका वर्तमान। फिर है रंगपुर, रंगपुर मादन नदी के किनारे। इसके उत्खनन करता है रंगनाथ राव। इन्होंने 1953-54 में इसका उत्खनन करवाया। ये इसकी वर्तमान स्थिति है गुजरात का काठियावाड़ जिला। फिर है रोपड़, तो ये सतलज नदी के किनारे है। इसके उत्खनन करता रहे यज्ञदत्त शर्मा 1953-56 से 56। इसकी वर्तमान स्थिति है पंजाब का रोपड़ जिला। फिर हमारा लोथल स्थल, ये भोकवार नदी के किनारे है। रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन करवाया 1955 एवं 1962 में। इसकी वर्तमान स्थिति है गुजरात का अहमदाबाद जिला। फिर है आलमगीरपुर, तो ये हिंडन नदी पर के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी उत्खनन करता रहे 1958 में। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। सूतकांगे डोर, ये दास्क नदी पर है। दास्क ऑरेंज ऑरेंज स्टाइल एवं जॉर्ज डेल्स इसके उत्खनन करता रहे 1927 एवं 1962। इसकी वर्तमान स्थिति बताएं तो पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है। फिर
बनवाल माली, तो ये रंगोई नदी के किनारे, इसके उत्खननकर्ता है रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में, ये हरियाणा का हिसार जिला में है। ठीक है, फिर बात करते हैं धौलावीरा, तो इसके उत्खननकर्ता है रविंद्र सिंह बिष्ट 1990-91, गुजरात के कच्छ जिला में है। ठीक है, तो ये थे हमारे सिंधु सभ्यता। ठीक, चलिए तो हम लोग सिंधु सभ्यता देख लिए, अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। किसकी? वैदिक सभ्यता की। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में है। ऋग्वैदिक काल, इसका समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और फिर उत्तर वैदिक काल, तो इसका समय है 1000 से 6600 ईसा पूर्व में। ठीक है, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। ठीक है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, याद रखिए। आर्यों की भाषा थी संस्कृत, क्या थी? संस्कृत। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में से इन पांच भागों में बांटा था। कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ग्राम का के मुखिया ग्रामीणी और विश का प्रधान होता है विश्पति। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत रथकार तथा कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पुरप, द्रौपदी, स्पस, ये जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाचपति एक गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग, तो ये अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, उग। ठीक है, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ठीक है, इसमें देख लीजिए हम लोग दिशा उत्तर वैदिक राजा। ठीक है, तो पूर्व में प्राची यहां बोला जाता था राजा को सम्राट। ठीक है, क्या बोला जाता था पूर्व में? सम्राट। पश्चिम में प्रतिची शब्द और राजा को बोला जाता था यहाँ सौराष्ट्र। उत्तर में उदीची, यहाँ के राजा को बोला जाता था विराट। मध्य में राजा बोला जाता था इसके यहाँ के राजा को दक्षिण भारत में, दक्षिण में भोज बोला जाता था। तो याद रखिए, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में सौराट सौराष्ट्र, उत्तर में विराट, मध्य में राजा, दक्षिण में भोज। आगे देखते हैं हम लोग, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट, गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ होता था गायों की खोज, क्योंकि इस टाइम गाय का बहुत ही महत्व था। गाय के लिए युद्ध भी हुआ करते थे। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के सातवें मंडल में है। यह युद्ध पर्वतश्रेणी रावी नदी के तट पर सुदारा सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। याद रखिए, दशराज युद्ध का उल्लेख सातवें मंडल में। ठीक है, उस दशराज युद्ध कहाँ हुआ था? परोशनी नदी, रावी नदी के तट पर। सुदास इसमें अंतिम रूप से विजयी हुए थे। ऋग्वैदिक समाज चार वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, याद रखिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है।
इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से और वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। आर्यों का समाज क्या था? पित्त प्रधान। समाज की सबसे छोटी इकाई थी परिवार या कुल, जिसका मुखिया होता था पिता, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था इस समय। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। वैदिक काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोसा, सिक्ता, अपाला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को आमायु कहते थे। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था सोमरस। यह वनस्पति से बनाया जाता था। ठीक है, आर्य मुख्य तीन प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उपदेश। अंदर पहनने वाले कपड़ों को निवी निवी कहा जाता था, याद रखिए। अब यहां देख ले, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। याद रखिए, कई बार पूछ लेता है परीक्षाओं में कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, कुल 108। महापुराणों की संख्या 18, वेदांग की संख्या 6। ठीक, आगे देखते हैं। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, धूप कीड़ा। ठीक, आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। गाय को अगण्या ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। सर्वाधिक प्रिय देवता था इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा, जिसे श्याम ऐश कहा जाता था। तांबे को लोहित ऐश कहा जाता था। व्यापार हेतु तो दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली विकसित थी। वस्तु विनिमय मतलब वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के बदले एक वस्तु देना, इस तरह से विनिमय। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बैंक नोट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ठीक है, याद रखिए। यह हम लोग कुछ प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक देख लेते हैं। जैसे चार्वाक, चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक हैं चार्वाक। योग दर्शन, तो इसके प्रवर्तक हैं पतंजलि। सांख दर्शन, तो इसके प्रवर्तक हैं कपिल। न्याय, तो इसके प्रवर्तक हैं गौतम। पूर्व मीमांसा, इसके प्रवर्तक हैं जैमिनी। उत्तर मीमांसा, तो याद रखिए इसके प्रवर्तक हैं बादरायण। विशेषिक दर्शन, तो इसके प्रवर्तक हैं कराड़ या उलूक। ठीक है, याद रखिए। अब बात करते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। तो क्या है, ऋग वैदिक काल में इंद्र सबसे प्रिय देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सर्वाधिक प्रिय हो गए। उत्तर काल में राजा के राज्याभिषेक के समय, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी।
तो वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। ठीक है, यहाँ हम लोग उत्तर वेद ऋग्वैदिक काली नदियां देख लेती, तो ये याद रखिए प्राचीन नाम उस समय क्या ठीक है नाम थे, वो ये है आधुनिक नाम। तो जैसे कुंभ को इसका कुर्रम नाम है वर्तमान, कुंभा कुंभा इसका काबुल, वित्तस्था झेलम, अश्विनी चेनाव, पुरुष्णी रावी, सतुदी तो इसका वर्तमान है सतलज, पिपासा व्यास, सदानीरा इसका वर्तमान है गंडक, दृश्यदिति घग्गर, गोमती गोमल, सोवस्तु स्वात। ठीक है, ये प्राचीन नाम है, ये आधुनिक नाम है। बात करते हैं आगे, देखते हैं उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निस्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार आकृति और मूल के सिक्कों के पिछल चलन का कोई प्रमाण नहीं है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है, प्रकृति पहला तत्व है। बात करते हैं सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, तो याद रखिए यह मुंडकोपनिषद। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित नामक देवता को संबोधित करता है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य दो है, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता, क्या है जय संहिता, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था, याद रखिए। अब हम लोग देख लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन देवता, तो ये देवता है और उनका संबंध किससे है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंद की, तो इंद को युद्ध का देवता एवं वर्षा का देवता कहा जाता है। अग्नि, अग्नि देवता एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थ थी। वरुण, तो ये पृथ्वी एवं सूर्य की निर्माता ने कहा जाता है। समुद्र का देवता भी कहा जाता है। विश्व के नियामक एवं शासक सत्य का प्रतीक भी है। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का करता है। घो, तो आकाश का देवता कहा जाता है, सबसे प्राचीन है। सोम, वनस्पति देवता। उषा, प्रगति एवं उद्धान देवता। आश्वन, ये विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। पूषण, पशुओं का देवता। विष्णु, विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मारुत, ये आंधी तूफानों का देवता माना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल देख लिया हम लोग। चलिए तो हम बात करते हैं महाजनपदों का उदय, महाजनपदों के बारे में देखते हैं। ठीक है, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से मिलती है, किससे, अगुंतर निकाय से, याद रखिए। ठीक, अब ये है हमारे महाजनपद, उनकी राजधानियां है और क्षेत्र या आधुनिक स्थान। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंग की, महाजनपद हमारा अंग, इसकी राजधानी है चंपा।
इसका क्षेत्र है भागलपुर मुंगेर बिहार में, ठीक। तो क्या है अंग, अंगे की राजधानी क्या है चंपा, इसका स्थान क्या है भागलपुर मुंगेर मुंगेर बिहार। फिर एक का मगध, दूसरा जनपद है मगध, इसकी राजधानी गिरिवेज गिरिवेज या राजगीर गृह, इसका क्षेत्र है पटना गया बिहार। तीसरा महाजनपद है काशी, इसकी राजधानी है वाराणसी, क्या है वाराणसी, इसका क्षेत्र है वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वत्स, इसकी राजधानी है कौशाम्बी, ये इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में, ठीक क्षेत्र इसका। वज्जी, इसका इसकी राजधानी है वैशाली विदेह मिथिला, इसका वर्तमान स्थान व स्थान है मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। फिर है हमारा कौशल, इसकी राजधानी है श्रावस्ती, फैजाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास। अवंती, इसकी राजधानी है उज्जैनी या महिष्मती भी बोला जाता है इसे, मालवा मध्य प्रदेश में, ठीक। फिर है हमारा मल्ल, इसकी राजधानी है कुशावती, देवरिया उत्तर प्रदेश में है इसका क्षेत्र, ठीक है। फिर हमारा पंचाल, इसकी राजधानी है अहिच्छत कांपिबल, इसकी स्थान है बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। फिर चेदी, चेदी शक्तिमती है इसकी राजधानी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कुरु, इंद्रप्रस्थ है इसकी राजधानी, आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं इसमें। फिर मत्स्य, तो इसकी राजधानी विराटनगर, जयपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र हैं, ठीक। कम्बोज, हाटक है यहाँ की राजधानी, इसकी महाजनपद की कम्बोज की, ये राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, ठीक। फिर मध्य, अगला जनपद है हमारा सूरसेन, मथुरा में इसकी राजधानी, मथुरा उत्तर प्रदेश में क्षेत्र में है, ठीक है। फिर हमारा अस्मक, तो पोटली या पोतन में इसकी राजधानी, गोदावरी नदी क्षेत्र के दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है अस्मक। फिर गंधार, तक्षशिला रावलपिंडी एवं पेशावर में, ठीक है। तो ये थे 16 जनपद। चलिए एक बार हम लोग जनपद उनकी राजधानी केवल देख लेते हैं। अंग, ठीक है, इसकी राजधानी चंपा है, अंग की राजधानी चंपा है बिहार में है। मगध, गिरिवेज या राजगृह है इसकी, मगध की राजधानी ये भी बिहार में। काशी वाराणसी इसकी राजधानी है, ये उत्तर प्रदेश में। वत्स कौशाम्बी ये भी उत्तर प्रदेश में। वज्जी वैशाली विदेह या मिथिला भी इसकी राजधानी, ये भी मुजफ्फरनगर एवं दरभंगा में है। कौशल श्रावस्ती ये उत्तर प्रदेश में है। अवंती की राजधानी उज्जैन महिष्मती ये मालवा मध्य प्रदेश में। मल्ल कुशावती देवरिया में। फिर पंचाल अहिच्छत कंपविल कंपल, ये इसकी राजधानी है, ये राजधानी होगी और ये है उत्तर प्रदेश में। चेदी शक्तिमती बुंदेलखंड में। कुरु इंद्रप्रस्थ है इसकी राजधानी, आधुनिक दिल्ली मेरठ हरियाणा के क्षेत्र हैं। मत्स्य ये विराटनगर है इसकी राजधानी, जयपुर राजस्थान के आसपास है। कंबोज हाटक इसकी राजधानी, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र में। सूरसेन मथुरा मथुरा उत्तर प्रदेश में। अस्मक पोटली पोतन है इसकी राजधानी, गोदावरी नदी के क्षेत्र में दक्षिण भारत में। गंधार तक्षशिला रावलपिंडी पेशावर पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये हमते हमारे महाजनपद। चलिए तो हम देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना और चोरी ना करना।
संपत्ति ना रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी कौन से नंबर के थे? 24वें नंबर के थे तीर्थंकर। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। माता तिसला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदरा, यशोदा। पुत्री का नाम था अनुज्ञा, प्रियदर्शनी। महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरंभिक के समीप त्रिजु फालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता अरहत पूज्य निर्ग्रंथ वंदनहीन कहलाए। ठीक है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत 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 अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दमान प्रियदर्शनी के पति जामिल थे। ठीक। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। ठीक। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्दबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्द के साथ मगध में ही रुके रहे। भद्दबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। ठीक है। स्थूल भद्द के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और भद्दबाहु के शिष्य कहलाए दिगंबर, नग्न रहने वाले। ठीक। तो याद रखिए, स्थूल बद्ध के शिष्य क्या कहलाए? श्वेतांबर, और भद्दबाहु के शिष्य दिगंबर। ठीक। चलिए अब देखते हैं आगे। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। ठीक है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। याद रखिए, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्त भंगी ज्ञान के अन्य नाम थे स्यादवाद या अनेकांतवाद और अनेकांतवाद। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, और फिर राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष चंदेल शासक थे। ठीक। यह कुछ प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। ठीक। ये जैन तीर्थकर के नाम है एवं क्रम, और यह है प्रतीक चिन्ह उनमें से संबंधित। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह है सांड सांड। अजीतनाथ द्वितीय थे, इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। संभव तृतीय थे, इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। संपाश सप्तम थे, 7वें नंबर के। स्वास्तिक चिन्ह इनका
पितिक चिन्ह। शांति 16वें थे, हिरण इनका पितिक चिन्ह। नामी 21वें थे, नीलकमल इनका पितिक चिन्ह। अरिष्ट नेमी 22वें थे, शंख इनका पितिक चिन्ह। पास पारस 23वें थे, सर्प इनका पितिक चिन्ह। महावीर 24वें थे, सिंह इनका पितिक चिन्ह। दो जैन तीर्थकर करुण ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड की प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में वैशाली बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। खजुराहो एमपी में, याद रखिए। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्वाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, निर्वाण बोला जाता है जिसे, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुआ। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक, जैन संगीतियां भी देख लेते हैं। ठीक, तो ये संगतियां हो गई, वर्ष हो गया, स्थल हो गया, अध्यक्ष हो गया। तो प्रथम की बात करें तो 300 ईसा पूर्व में प्रथम संगति हुई जैन संगति, प्रथम 300 ईसा पूर्व में एक पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूलबद्ध इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय हुई है 6वीं शताब्दी में। ठीक, वल्लभी गुजरात में हुई थी, क्षमा शर्मन इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? क्षमा शर्मन। याद रखिए, पहली हुई थी पाटलिपुत्र, दूसरी वल्लभी में। तो ये था हमारा जैन धर्म। ठीक है, चलिए, तो हमने जैन धर्म देख लिया है, अब बात करते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में। आप लोगों को बता दें, हम लोग लूसेंट की सामान्य बुक देख रहे हैं, सामान्य ज्ञान वाली है। तो बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बौद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बौद्ध। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किन्हें? गौतम बौद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम था सुद्धोधन, शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम था महादेवी, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के किनके गौतम बौद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बौद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बौद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। ठीक, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की ओर की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। ये 4 दृश्य कौन कौन से थे? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव देखा और एक सन्यासी। ठीक है, याद रखे, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक शव, एक सन्यासी। संसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बौद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, याद रखिए। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कारामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। यहाँ कुछ देख लेते हैं बौद्ध जीवन से संबंधित, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों के बारे में। तो जन्म में इनका प्रतीक चिन्ह था कमल एवं सांड, गृह त्याग था घोड़ा प्रतीक चिन्ह, ज्ञान पीपल बोधरी वृक्ष, निर्वाण पदचिन्ह और मृत्यु स्तूप। ठीक है,
आगे बात करते हैं हम लोग उरुवेला में सिद्धार्थ को कॉर्डन कॉर्डन वप्पा भादिया महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बौद्ध के नाम से जाने लगे। वह स्थान जहां इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वहां उसे बौद्ध गया कहा जाता है। बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। याद रखिए बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश उपदेश कौशल वैशाली कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार विषैन जी तथा उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 463 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्करण किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मिति विवाद बौद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट कर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद जानकारी पाली त्रिपिटक से प्राप्त हुई। बौद्ध धर्म मूलतः आनिसुर वादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को छीड़ हो जाने की अवस्था में ही बौद्ध ने निर्वाण कहा। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बौद्ध ने उपनिषद से लिया। बौद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षु बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध धम्म संघ। ठीक अब बात कर लेते हैं हम लोग यही बौद्ध सभाओं के बारे में। प्रथम बौद्ध संगीति हुई 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासन किसके शासनकाल में हुई अजात शत्रु के शासनकाल में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सभा कामी इसके अध्यक्ष थे कालाशोक के शासनकाल में हुई। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो 255 ईसा पूर्व में हुई पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र अध्यक्ष थे समिति में अशोक के शासनकाल में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई। यही हुई थी कुंडलवन में इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्वघोष कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूसों का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है।
इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुई। अगली बात करते हैं आगे। दुख, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया, जिसमें दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी पिति पद। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन थे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक, आगे हम बात करते हैं बौद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसे निर्वाण निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सीलों पर बल दिया, जिनमें शामिल है अहिंसा, सत्य, आस्ते, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नित्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं बौद्धि सत्य का औसत अवतार मनुष्यों के रूप मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बौद्धि सत्य के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मृत्यु तथा अन्य अनाम बौद्ध अभी अवतरित होने से सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली, कौन सी गंधार शैली के अंतर्गत किया गया। लेकिन बौद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं शैव धर्म के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म को देख चुके हैं, अब शैव धर्म को देखते हैं। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है, याद रखिए। अथर्ववेद में शिव को भाव सर्व पशुपति एवं भूपति कहा गया है, याद रखिए। अथर्ववेद में शिव को भाव या सर्व पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है, कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है, याद रखिए। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। उस शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य कब मिलता है? पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ठीक, वावन वावन पुराण में शैव धर्म की संख्या 4 बताई गई है, पाशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। कौन कौन से? पाशुपत, फिर पाशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत, याद रखिए।
पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक थे लकुलिश, लकुलिश थे इसके संप्रदाय के संस्थापक, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। इस मत का प्रमुख सिद्धांतिक ग्रंथ है पाशुपत सूत्र। श्री कर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे, याद रखिए। या कुछ संप्रदाय देख लेते हैं पहले और उनके संस्थापक, ठीक है। आजीवक संप्रदाय, तो याद रखिए मखली पुत्र गोसाल थे इसके आजीवक संप्रदाय के। घोर आक्रियावादी संप्रदाय, तो इसके संस्थापक कौन थे? पूरन कश्यप थे। यद्वावाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आचार्य अजीत। फिर भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पखुत कच्चायन। फिर आगनिश्चयवादी संप्रदाय, तो इसके संस्थापक कौन है? संजय विट्ठली पुत्र, ठीक है, याद रखिए। कपालिक कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव है भैरव। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था श्री शैल नामक स्थान। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को सिद्ध पुराण में महावृद्धर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नरकपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते थे, साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे लोग। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे, ठीक। वासव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। किसे? वासव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के विवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है, याद रखें। 10वीं शताब्दी में मत्स्यनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य राष्ट्रकूट पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा है, याद रखियो। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायार नाय नारों द्वारा किया गया, नाय नारों द्वारा किया गया। नाय नार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, शमबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था, याद रखिए, कई बार पूछा जा चुका है जो परीक्षाओं में। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने, ठीक है, शासकों ने। चोल शासक राज 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 प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजशेखर शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो राज राज प्रथम ने, चोल शासक थे, तंजौर में प्रसिद्ध राज राज से राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी के एक साथ अंकन प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी की का एक साथ अंकन प्राप्त हुआ है, किया गया है, टन, ठीक। चलिए, तो हमने देख लिया है शैव धर्म, बात करते हैं हम लोग वैष्णव धर्म के बारे में, ठीक है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म में इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है, याद रखिए। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक
प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है और इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक हैं श्री कृष्ण, जो बृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा में था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और आंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। तो कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में, देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार थे: मत्स्य, क्रोम, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बौद्ध और कल्कि। क्या थे? एक बार और देख लेते हम लोग 10 अवतार विष्णु भगवान के: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बौद्ध, कल्कि। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। ठीक है, ये प्रमुख संप्रदाय हो गए अपने, ये मत हो गए और ये आचार्य हो गए। तो सबसे पहले बात करते हैं वैष्णव संप्रदाय की। तो इनका मत था विशिष्टाद्वैत, इसके आचार्य थे रामानुज। ब्रह्मा संप्रदाय, इसका मत था द्वैत, इनके आचार्य थे आनंद तीर्थ। फिर रुद्र संप्रदाय, तो इनके मत था शुद्धाद्वैत और इसके आचार्य थे वल्लभाचार्य। ठीक है, सनक संप्रदाय, मत था इनका द्वैतावाद और इसके आचार्य थे निमार्क, निमार्क। फिर बात करते हैं ये भी प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तकें, पुस्तक। तो इस प्रमुख संप्रदाय और इस संस्थापक उनके, वही उनकी पुस्तक है। ठीक, वर्करी, वर्करी तो नामदेव थे इसके संस्थापक। श्री वैष्णव, श्री वैष्णव तो इसके संस्थापक थे रामानुज और इन पुस्तक थी इससे संबंधित ब्रह्मा सूत्र। परमार्थ, इसके संस्थापक थे रामदास और पुस्तक थी दास बोध। राम भक्त, तो इसके संस्थापक थे रामानंद, पुस्तक थी अध्यात्म रामायण। ठीक है, एक बार फिर से संप्रदाय देख लेते हैं, इनके संप्रदाय, उनके मत, आचार। तो याद रखिए वैष्णव संप्रदाय, आचार्य थे इसके रामानुज। ब्रह्मा संप्रदाय, इसके आचार्य थे आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय, वल्लभाचार्य थे इसके आचार्य। सनक संप्रदाय, निमार्क थे इसके आचार्य। ठीक है, और पुस्त इनके प्रमुख संप्रदाय की पुस्तकें देख लेते हैं, संबंधित उनकी जो रही है। वर्करी, इसके संस्थापक थे नामदेव। श्री वैष्णव, वैसे पहले भी देख चुके हम लोग, इसके संस्थापक थे रामानुज। ब्रह्मा सूत्र इस पुस्तक से संबंधित है ये संप्रदाय। परमार्थ, रामदास, पुस्तक है दासबोध। राम भक्त, रामानंद, अध्यात्म रामायण, पुस्तक इस संप्रदाय से संबंधित है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान के बारे में। हम लोग बात कर चुके हैं वैष्णव धर्म के बारे में, अब बात करते हैं हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? हजरत मोहम्मद साहब का 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला
और माता का नाम था अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईसा ईस्वी में 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संबत या हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम था फातिमा और इनके दामाद का नाम था अली हुसैन। ठीक है। देव दूत ग्रेम्बियल देवदूत ग्रेम्बियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, याद रखिए। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। उन्हें मदीना में दफनाया गया। जन्म हुआ था मक्का में, याद रखिए। उन्हें दफनाया कहाँ गया? मदीना में। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। सुन्नी, याद रखिए, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया इस्लाम धर्म। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, याद है। अली का जन्म की जन्म 661 ईस्वी में अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में कर दी गई। करबला नामक स्थान ईरान में है, यहां कर दी गई थी। इन दोनों हत्या ने सिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 ईस्वी तक चला। 1924 में इसे तुर्की के शासन मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। ठीक। इब्न ईसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म दिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। मोहम्मद साहब के पैगंबर के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। चलिए तो हम बात करते हैं ईसाई धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म देख चुके हम लोग, अब ईसाई धर्म के बारे में बात करते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबिल। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। और ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैत लेहम नामक स्थान पर हुआ। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम था मैरी और पिता का नाम था जोसेफ। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैतलेहम के निकट नाजरेत में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य थे एंड्रूस और पीटर।
ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस। ईसाई त्रिरत्न में विश्वास रखते हैं, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। ईसाई धर्म त्रितत्व में विश्वास रखता है, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। तो ये था हमारा ईसाई धर्म। यही हम बात कर लेते हैं फारसी धर्म के बारे में। फारसी धर्म के पैगंबर थे जरथुस्त। जरथुस्त ईरान के थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में है, जो फारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। जैन अवस्था फारसियों का ग्रंथ है महत्वपूर्ण। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सदकार। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? सद्विचार, सद्वचन तथा सदकार। इसके अनुयायी एक ईश्वर आहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। इस धर्म के पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। चलिए, तो ये था पारसी धर्म। चलिए, तो हम लोग देख चुके हैं ईसाई धर्म और पारसी धर्म। अब बात करते हैं हम लोग मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे बृहदित्त। इसकी राजधानी थी गृहब्रज, राजगृह। जरासंध बेहदत्त दृथ का पुत्र था। हरेक वंश के संस्थापक बिम्बिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार डेट है बैठा। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिम्बिसार था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिम्बिसार ने ब्रह्मादत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिम्बिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिम्बिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बौद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, तो उस समय भी बिम्बिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा। बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश पेशेंट जीत की बहन महाकौशला से वैशाली की चेटक की पुत्री चेलेना से तथा मध्य देश की आधुनिक पंजाब की राजकुमारी छेमा से शादी की। बिम्बिसार ने, याद रखिए, वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने साम्राज्य को विस्तार दिया। इसमें कौशल नरेश पेशेंजीत की बहन थी जो महाकौशला से विवाह किया, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलेना से, मध्य देश की आधुनिक पंजाब की राजकुमारी छेमा से शादी की। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु किसने बिम्बिसार की हत्या उसके अजात पुत्र अजात शत्रु ने कर दी। और 493 ईसा पूर्व तक में मगध की गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु का उपनाम था कुडिक। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुडिक। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के स्वयं मंत्री का नाम था वर्षकार। वर्षकार इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में की। वह मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उदयन ने जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन भी जैन था, ये भी जैन धर्म का अनुयायी था।
हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? उदायन का पुत्र नांग दशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नांग दशक। नांग दशक को उसके अमात्य शिशु नांग ने 412 ईसा पूर्व में आपदस्थ करके मगध पर शिशु नांग वंश की स्थापना की। तो याद रखिए, शिशु नांग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशु नांग ने। शिशु नांग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशु नांग का उत्तराधिकारी था कालासो, पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। ठीक है, शिशु नांग का वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन। याद रखिए, शिशु नांग वंश का अंतिम शासक राजा कौन था? नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक, चलिए तो अब हम बात करते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर का जन्म 556 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर का जन्म कब हुआ? याद रखिए हमेशा, 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी फिलिप की। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु। अरस्तु सिकंदर के गुरु थे, याद रखना। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाई डिस्पीच के युद्ध, झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। उस युद्ध को हाई डिस्पीच के युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। झेलम, याद रखिए, बितस्ता भी से बोला जाता है झेलम नदी को। सिकंदर की सेना को व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया सिकंदर की सेना ने। सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु हुई 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। सिकंदर की जल सेनापति था सिकंदर का जल सेनापति था नरयाकस, याद रखिए। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं मौर्य वंश के बारे में। किसमें? मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। घनानंद को हराने में चाणक्य ने घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। कौन? चाणक्य, याद रखिए। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। ठीक, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है चाणक्य की है, याद रखना। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक, कहाँ? कर्नाटक के सेवड वेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त ने किसे हराया? सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार चार प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक थी इंडिका, याद रखिए। मेगस्थनीज की पुस्तिका कौन थी? पुस्तक थी इंडिका, मेगस्थनीज ने लिखी थी। और चाणक्य ने कौटिल्य ने कह ली अर्थशास्त्र।
आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 5,000 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 258 ईसा पूर्व में सेवर बेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी उसकी मृत्यु। फिर आता है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार, जो 258 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्यघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। किसके? अमित्यघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्यघात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण, किसमें? वायु पुराण में बिंदुसार को भद्दसार कहा गया। स्टेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में दो विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट, सीरिया का शासक कौन था? एंटियोकस फर्स्ट ने मदरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। मदिरा, सूखे अंजीर, एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं बिंदुसार के बाद आया अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया बिंदुसार, बिंदुसार के बाद आया चंद्रगुप्त अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की एवं गुर्जरा पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नामक एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। किसने? उपगुप्त ने। अशोक ने अजीवकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिनका नाम है करज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। आगे बात करते हैं अशोक के पुत्र, किसने? अशोक के पुत्र दशरथ ने अजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम था शुभदांगी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र, पुत्री संगमिता को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का विचलन सर्वप्रथम अशोक ने कराया था। अशोक के शिलालेखों में ब्रह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, शेष भारत में ब्रह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख और फिर गुहालेख। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पर्द्रेटी फेंथियर ने की थी। इसकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 में जेम्स फेंसेप ने को हुई। ठीक है, तो याद रखिए अशोक के शिलालेखों की खोज की है 1750 में पाद्रेटी फेंथर ने, और सबसे पहले पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की? 1837 ईस्वी में जेम्स फेंसेप को। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अशोक के प्रमुख शिलालेखों, शिलालेख और उनमें वर्णित विषय।
तो पहला शिलालेख है अशोक का, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख की बात करें तो इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया। तीसरा शिलालेख की बात करें तो इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिए गए कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। शिलालेखों में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख मिलता है किया गया है। इसमें चौथा शिलालेख है अशोक का, इस अभिलेख में भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। अब बात करते हैं पांचवा जो शिलालेख है, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख तो इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवा एवं आठवा शिलालेख इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। सातवें और आठवें में याद रखिए। नौवा जो शिलालेख है इसमें सच्ची भेंट, क्या सच्ची भेंट तथा सच्चे सृष्टाकार का उल्लेख किया गया है। दसवा शिलालेख इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। बात करते हैं हम 11वें शिलालेख की तो इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। अब बात करते हैं 12वां शिलालेख तो इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति सभी प्रकार के विचारों का के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख है जो हमारा, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन, 13वें शिलालेख का में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है, इसमें पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। याद रखिए कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें है, 13वें शिलालेख। 14वें शिलालेख की बात करें, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने 14वें शिलालेख में क्या है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। आगे बात करते हैं अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 7, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। स्तंभ लेख यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए। प्रयाग स्तंभ लेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। फिर है हमारा दिल्ली टोपरा, याद रखिए पहला प्रयाग स्तंभ लेख है, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। दिल्ली टोपरा है जो यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। फिर दिल्ली मेरठ जो अभिलेख स्तंभ लेख है पहले मेरठ में था स्थित। इस स्तंभ लेख को फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। फिर है रामपुरवा, तो यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। फिर है लोरिया अरेराज, तो ये चंपारण बिहार में है। लोरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में ये भी है। इस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना हुआ है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, याद रखिए कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है रुम्मी देई, इसी में लुम्बिनी के धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। पृथक शिलालेख में यह घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारे पुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेनिक भाषाओं में प्राप्त हुआ। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था। उपदा परीक्षण कहा जाता था इसे जांच परख को। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारियों के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी थी, 18। अर्थशास्त्र में चार जासूसों को अर्थशास्त्र में चर जासूसों को कहा जाता था, चर। ठीक, अशोक के समय में मौर्य प्रांतों की संख्या कितनी थी, 5। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांत देख लेते हैं, ठीक है, जय मौर्य प्रांत और उनकी राजधानी तो उत्तरापद, इसकी राजधानी थी तक्षला
अवंती राष्ट्र, तो इसकी उज्जैनी थी राजधानी। कलिंग, तो इसकी राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ, तो इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। प्रासी, पूर्वी प्रांत, पाटलिपुत्र थी इसकी राजधानी। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग प्रांतों के प्रशासक को कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया, विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, जिसका मुखिया ग्रामिक था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक, अब अर्थशास्त्र में वर्ण 30 देख लेते हैं। मंत्री, मंत्री प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति, सैन्य विभाग का प्रधान। युवराज, राजपुत्र था ये। दुबारिक, तो ये राजकीय द्वार रक्षक था। अंतर्वेदिक, अंतरपुर का अध्यक्ष। समाहर्ता, ये आर्य आय का संग्रह करता था। सन्निधाता, तो राजकीय कोष का अध्यक्ष था। प्रशासता, ये कारागार का अध्यक्ष था। प्रदृष्टि, कमिश्नर था ये। पोर, ये नगर का कोतवाल था। व्यवहारिक, ये था प्रमुख न्यायाधीश। नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष था। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष था ये। दंडीपाल, सेना का सामान एकत्रित करने वाला। दुर्गपाल, दुर्ग रक्षक। अंतपाल, सीमाबल, सीमावर्ती दुर्गों का संरक्षक। ठीक, तो ये थे सब साथ में बढ़ते तीज। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग का निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक थे, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। प्लूटार्क, जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों को पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी नायक कहलाते थे। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति था। मेगस्थनीज के अनुसार मौस सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय और 6 समितियां करती थी। ठीक, यह देख लेते हम लोग प्रशासनिक समिति और उनके कार्य। तो प्रथम थी जो समिति, इसका कार्य था उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय समिति थी, इसका कार्य था विदेशियों की देखरेख। तृतीय समिति थी, जन्म मरण का विवरण रखना है इसका कार्य। चतुर्थ समिति, व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम थी जो निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। सप्तम थी जो विक्री कर वसूल करना। सैन्य समितियों एवं उनके कार्य देख लेते हम लोग। प्रथम समिति थी जो जल सेना की व्यवस्था करती थी। द्वितीय समिति, यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तृतीय समिति, पैदल सैनिकों की देखरेख। चतुर्थ, अश्वारोहियों की सेना की देखरेख करती थी। पंचम थी जो गज सेना की देखरेख। षष्ठ समिति थी जो रथ सेना की देखरेख करती थी। ठीक, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्व नामक अमात के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गौड़ पुरुष कहा गया तथा तो एक समार पर रह एक स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजयोग कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। ठीक, बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को आदेव मात्रक कहा जाता था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारागार, कारीगर, सैनिक, निरीक्षण, सभासद।
स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिलाएं महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा पर्वतक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक चला। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदित्य। इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और 185 ईस्वी में कर दी। वो मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। तो याद रखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदित्य। चलिए तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं ब्राह्मण वंश। बात कर चुके थे हम लोग मौर्य वंश के बारे में, अब ब्राह्मण वंश के बारे में बात करते हैं साम्राज्य की। पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था पुष्यमित्र शुंग। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने दो बार यश अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। याद रखिए भरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक हुआ देवभूति। इसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश की का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या करके और सातवाहन वंश की स्थापना की। किसने? सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश या आंध वंश भी बोला जाता है इसे। शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। ठीक, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, सातकर्णी ने दो अश्वमेध तथा एक राज सूर्य सूर्य यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणानाय थे। हाल ने गाथा सप्तशतक तथा गुणानन ने वेहत कथा नामक दो नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, प्रोटीन और कांसे की मुद्राओं का विचलन किया। ब्राह्मणों को भूमि, याद रखिए ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही किया था। सातवाहनों की भाषा थी प्राकृत एवं लिपि थी ब्राह्मी। सातवाहनों का समाज था मात्र सत्तात्मक। याद रखिए सातवाहनों का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक। सातवाहनों की महत्वपूर्ण कृतियां थी कार्ले का चित्र, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला का विकास, सातकर्णी एवं अन्य सातवाहन शासकों दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासकों को। ठीक, चलिए तो हमने देख लिया है ब्राह्मण वंश। अब बात करते हैं भारत की यवन राज्य के बारे में। ठीक, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम देखते हैं। हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। ठीक है, सेलुकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटीओकस प्रथम ने
अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटिओकस सेकंड के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डेओडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डेओडोटस प्रथम के साथ ही इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डेओडोटस सेकंड, यूथिडेमस, डेमिटियस, मेनेंडर, यूक्रेटाइडस, एंट्री, आल्किडस तथा हर्मिक्स। ठीक, भारत का सबसे पहले, भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमिटियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। इसे हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात था मेनांडर, 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व में। इसकी राजधानी थी साकल, आधुनिक सियालकोट, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मेनांडर ने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मेनांडर के फिसन एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तिका के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पनेहो अर्थात मिलिंद की फिसन या मिलिंद फिसन है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता था जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। याद रखिए, भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चढ़ाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट भी आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं शक के बारे में, शक शासकों के बारे में। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, तीसरी शाखा ने मथुरा और चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ने ऊपरी व दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और वे चारागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईस्वी ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की एक अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखाओं ने लंबे समय सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई। भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? रुद्रदमन प्रथम था, जिसका शासनकाल गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धस्वस्थ सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदमन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, गिरनार अभिलेख जारी किया।
इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में प्रचलित थे। भारत में शक राजा अपने को छत्तप कहते थे, याद रखिए, भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? छत्तप। अब बात कर लेते हैं हम लोग कुषाणों के बारे में, ठीक है। पल्लव के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था, उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। ठीक, कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसिस। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। इसकी राजधानी थी फूरोजपुर या पेशावर कनिष्क की। कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी मथुरा। ठीक है, कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसु मित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं चलाई, जिसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का भी कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महावीर वास सूत की रचनाकार वसुमित्र थे। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बौद्ध चरित की रचना की। वसुमित्र फास नागार्जुन महाचेत संगरक्ष भी कनिष्क के दरबार में विभूषित थे। भारत का आइंस्टीन आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इसकी पुस्तक है माध्यमिक सूत्र। इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक हुआ वासुदेव। गंधार शैली में मथुरा शैली, कौन सी? गंधार शैली मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने पर वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था, याद रखिए। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। किसमें? गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय 30वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौसाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। 240 से 280 ईस्वी तक इसका शासन रहा। ठीक है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ 280 से 320 ईस्वी तक। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, गुप्त संवत 319 से 320 की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी, याद रखिए। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। समुद्रगुप्त था जो विष्णु का उपासक था। ये समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है।
चंद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की, इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त सेकंड, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। याद रखिए, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था भारत? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त फर्स्ट या गोविंद गुप्त, 415 से 454 तक। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। याद रखिए, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ स्कंदगुप्त, 455 से 467 ईस्वी हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक था भानुगुप्त। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी देश, जिसके शासक को गुप्ता कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भूपति थी, जिसके शासक को उपरी कहलाते थे। भूपति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख होते थे विषयपति। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशी कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपात में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि थी यह क्षेत्र। वास्तु, ये वास करने योग्य भूमि थी। चारागाह है भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि थी यह। खिल, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, खिल बोलते थे। आप्रहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। इस समय सैनी के प्रधान को चेष्टक ठक कहा जाता था। ठीक है, गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में दीनार कहा गया। ठीक है, कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओस्नम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवता को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। कौन से जाति के? सवर जाति के। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावती करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। बौद्ध वेश्याओं को कुठनी, वृद्ध वेश्याओं को कुठनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राज धर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी का दौसा का 10 अवतार मंदिर है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्तशाला कहा गया है।
इस चित्रशाला में बौद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र हैं किए गए हैं उद्धृत। अजंता की गुफाओं, किस अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाकी गुफा है, जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई है। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि थे कालिदास। याद रखिए, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आर्यवेदाचार्य धन्वंतरी थे। बात कर लेते हैं कुछ मंदिर गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। विष्णु मंदिर, तो याद रखिए तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर, ये भूमरा नागौदा मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर, ये नैना कुठार में है मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ झांसी में है। शिव मंदिर खोए नागौद मध्य प्रदेश में है। भीतर गांव मंदिर, ये भीतर गांव में है, ठीक है, ये ईंटों का मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर द्वारा निर्मित, ईंटों द्वारा, ठीक है, लक्ष्मण मंदिर है कानपुर उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे पांच भागों में बांटा गया, मित्रवेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रडास, अपरीक्षा कारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे, तो याद रखिए आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान थे आर्यभट्ट, वाराह मिहिर, धन्वंतरी और ब्रह्मा गुप्त। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई, इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया, रुपये का कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही होगा। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। याद रखिए, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए, तो हम लोग देख चुके हैं गुप्त वंश को, बात करते हैं पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश के बारे में। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उनमें मैतक, मोखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौण प्रमुख थे। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति, इसकी राजधानी थी थानेसर, हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में स्थित वर्तमान थानेसर नामक स्थान पर थी। फेवाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टाचार्य, भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी यशोमती। यशोमती से दो पुत्र हुए, राजवर्धन और हर्षवर्धन, तथा एक कन्या हुई जिसका नाम था राजश्री। राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौण नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, इसने बौद्धि वृक्ष को कटवा दिया था। याद रखिए, शशांक ने बौद्धि वृक्ष को कटवाया था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में
16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री ह्वेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेन सांग को यात्रियों में राजकुमार नीति का पंडित वर्तमान साक्ट मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 एवं 645 ईस्वी में दो चीनी दूत उसमें उसके दरबार में आए हैं। इसके हर्ष ने कश्मीर के शासक के से बौद्ध दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेन सांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्य श्रेय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेन सांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ। वाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कदम्बरी की रचना की। प्रियदर्शी का रत्नावली नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से 3 नाटक लिख दिए थे। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था ना ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राज स्थानीय उपरी अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का आया। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था, जिससे जिले की संज्ञा थी, जिसका प्रधान था विषयपति। विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे। आधुनिक तहसील ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान था ग्रामक छपटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट वाट कहा जाता था। दंड पासित तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को वेदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्ष चरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्रों का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र को निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद देख लेते हैं। भंडी विधान सचिव, सिंहनाद विधान सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख। चलिए तो हम लोग देख चुके थे
उससे भूति वंश या वर्धन वंश। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। इसका कार्यकाल रहा है 575 से 600 ईस्वी और इसकी राजधानी रही है कांची। तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था सिंह विष्णु। याद रखिए पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। कीर्तार्जुनीयम के लेखक थे भारवी। सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए जिनमें क्रमशः थे महेंद्र वर्मन प्रथम। इसका कालकाल रहा है 600 से 630 ईस्वी। फिर नरसिंह वर्मन प्रथम। इसका कार्यकाल रहा है 630 से 668 ईस्वी। महेंद्र वर्मन द्वितीय, तो इसका कार्यकाल रहा है 668 से 670 ईस्वी। फिर आया परमेश्वर वर्मन प्रथम, तो इसका कालकाल रहा है 670 से 680। फिर आया नरसिंह वर्मन सेकेंड, ये 704 से 728 रहा, 704 से 728 ईस्वी तक। फिर आया नंदीवर्धन वर्मन सेकेंड, 731 से 795 तक। पल्लव वंश का अंतिम शासक हुआ अपराजित। इसका कालकाल रहा है कार्यकाल 879 से 897 ईस्वी में। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। याद रखिए मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। महेंद्र वर्मन ने की थी। महाबलीपुरम में के एकास मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है, इनका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। यह रथ मंदिरों में सबसे छोटा, इन मंदिरों में सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है मिलता। ठीक है, बातपी कुंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन सेकंड। उसने राजा सिंह, राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधियां धारण की। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जिसे राज से सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में सौर मंदिर भी है। दस कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। याद रखिए कांची के मुक्तेश्वर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। प्रसिद्ध वैष्णव संत त्रिमुगदई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन था। अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रकूट वंश के बारे में। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती द्रोक था। इसकी राजधानी थी मनकिर या मानखेत, वर्तमान मालखेत सोलापुर के निकट। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों के बारे में बात करें तो कृष्ण प्रथम, फिर उसके बाद ध्रुव, गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष, फिर कृष्ण द्वितीय, इंद्र द्वितीय और फिर कृष्ण तृतीय। एलुरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। याद रखिए कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन सेकंड ने। किसने? कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने करवाया। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। और पितिहा नरेश वत्स राज पाल एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया इसने। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है।
गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्का युद्ध और एवं उसके संरक्षक धर्मपाल पितिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। इसने पल्लव पांडव केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था, याद रखिए। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन थे। गढ़ीता सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ बित्ती के लेखक थे शक्तायन। अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे ये सब। अमोघ वर्ष में तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। रहे इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पौन रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। फिर बात करते हैं कल्याण के चालुक्य तेलक द्वितीय ने 973 ईस्वी में करक को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट के समय में हुआ है। एलोरा में 34 शैल कृत गुफाएं हैं, इनमें 1 से 12 तक बौद्धों और 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैन ग्रंथों की गुफाएं हैं। याद रखिए एलोरा की गुफाओं में तीनों धर्मों की गुफाएं 1 से 12 तक है बौद्धों की, 13 से 29 हिंदुओं, 30 से 34 जैनों की गुफाएं हैं। राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। ठीक, फिर आता है हमारा चालुक्य वंश। होना था चालुक्य वंश कल्याणी चालुक्य वंश की स्थापना तेलक द्वितीय ने की। इसकी राजधानी थी मान्यखेत। चालुक्य वंश के प्रमुख शासक हुए तेलक प्रथम, तेलक द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर सोमेश्वर सेकंड, विक्रमादित्य 4-6, सोमेश्वर तृतीय, तेलक तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ विक्रमादित्य 6 छठा। विलहर्ड एवं ज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। याद रखिए मिताक्षरा इसकी रचना विज्ञानेश्वर ने की। विक्रमांक देवचरित की रचना विलहर ने की। इसमें विक्रमादित्य छठवा के जीवन पर षष्ठ के जीवन पर प्रकाश डाला। फिर आया हमारा चालुक्य वंश वातापी। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक हुए पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयदित्य, विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा था पुलकेशिन द्वितीय। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय वहु सुवर्ण एवं अग्निष्टोम टोम यज्ञ संपन्न कराया था। जिनेन्द्र का मेघोती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इससे ने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि भी धारण की। पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की भी उपाधि धारण की और दक्षिणा पथेश्वर की भी उपाधि धारण की। अब बात करते हैं पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 में
ईस्वी में परास्त किया। इसकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वतापी कोड की उपाधि धारण की। ये होल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। उसके लेखक थे रवि कीर्ति। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। वतापी का निर्माण करता था कीर्ति वर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने संकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। याद रखिए विनयादित्य की उपाधि क्या किसकी धारण कौन सी धारण की संकलोत्तर पथनाथ की। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्षिण में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे निजिनाशय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रिलोक देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। इस वंश का अंतिम राजा कीर्ति वर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। अब बात करते हैं चालुक्य वंश वेंगी की। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के प्रमुख शासक हुए जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय और विष्णुवर्धन तृतीय। इस वंश के सबसे शक्तिशाली सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य द्वितीय था, जिसका सेनापति था पंडुरंग। अब बात करते हैं चोल 9वीं शताब्दी में चोल वंश के पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक थे विजयालय। इस वंश का संस्थापक था विजयालय। 850 से 87 तक रहा है इस भी तो। इसकी राजधानी तंजावुर था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की। याद रखिए विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निसुंभ सुदिनी देवी का मंदिर भी बनवाया था इसने। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा थे परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक फर्स्ट को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजादित्य राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महीम पांच को पंचम को महीम पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी थी। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडीर चोल मंडलम बनाया। ओलन्नरोवा को इसकी राजधानी बनाया। राजराज फर्स्ट सेव धर्म का अनुयायी था। याद रखिए इसने तंजौर में राजराजेश्वर की कश्यप मंदिर बनवाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महीपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोट चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगे कोट चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। याद रखिए राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की और वीर राजेंद्र ने राज केसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा हुआ राजेंद्र द्वितीय। ठीक है, यहाँ चोल काल में भूमि के प्रकार देख लेते हम लोग। जैसे बेल विलेन
वगाई तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी, ब्रह्मा देव तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी, साला वो किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि की, देवदान या त्रु मंडकी नी तो ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी, पल्ली चंदम ये जैन संस्थानों को दान दी गई थी भूमि थी। आगे देखते हैं हम लोग चोलों एवं पश्चिमी चालुक्यों को भी शांति स्थापित करने के लिए मैं गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदंबरम मंदिर का विस्तार कर रहा था। कलोतुंग सेकंड के चिदंबरम मंदिर में स्थित गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था इसने। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उससे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को क्या करते थे? पेरुन्द्रम तथा निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरु वरन कहते थे। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। याद रखिए, प्रांत को मंडलम कहा जाता था, मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में, और नाडु कई कोरमों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर और नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। स्थानीय सुशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी और सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा यह मूलतः अज्ञहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। अब चोल काल में उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे, उन्हें मध्यस्थ कहते थे। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम और दान दी गई भूमि को ब्रह्मा देव कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था फदाती सेना। चोल काल में कासू सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों ने जैन जैनंदर प्रसिद्ध कवि था, कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था ये। इसकी रचना है कलिंग तुपर्णी। ठीक, अब यही देख लेते हैं हम लोग उत्तर मेरु मेरु अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि की का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, उनके पास अपना घर होना चाहिए। याद रखिए, सदस्यता के लिए सभा की सदस्यता के लिए सभी शर्तें थी। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए था जहां से भू राजस्व वसूला जाए, उसके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। ठीक है, आगे देखते हैं। कम्बन ओटेकू ओटेकूटन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पंप पुन्न और रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। फरसी ब्राउन ने
तंजौर के वेदेश्वर और मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकस कहा माना है। चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। सेव संत ईशान सेव को पंडित राजेंद्र फर्स्ट के गुरु थे। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था कावेरी पट्टनम, ठीक है, बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था, उसे तनियर कहलाता था। उत्तर मेरु शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता था, परांतक पिथम के शासनकाल से संबंधित था। ये चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी ओरेऊ, तंजौर, गंगेकोंड, चोलपुरम, कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल वागान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं को के आदान प्रदान का आधार था धन था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे, वलंजियर यार, नाना देसी और मनिगामम। विष्णु का उपासक अलवार, शिव के उपासक नायार संत कहलाते थे। तो याद रखिए, विष्णु के उपासक कौन? अलवार। शिव के उपासक नायनार थे, संत थे। अब बात करते हैं हम लोग यादव वंश। देवगिरी के यादव की वंश की स्थापना पहलम पंचम ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ सिंहण, 1210 ईस्वी से 1246 ईस्वी तक। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक था रामचंद्र, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कपूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। अब बात करते हैं होयसल वंश। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। वेलूर में चिन्ना केसर मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया। होयसल वंश का अंतिम शासक था वीर वल्लाल द्वितीय, जिसे मलिक कपूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र, आधुनिक हलेवेड़। अब बात करते हैं कदम्ब वंश। कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की और कदम्ब वंश की राजधानी थी वनवासी। रह गंगदेव, गंग वंश, ठीक है। गंग वंश का संस्थापक था वज्र हस्त पंचम। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक को कड़ी वर्मा था। गंगों की पारंपरिक राजधानी कोलाल थी, जो बाद में तलकाड़ हो गई। दत्तक सूत पर टीका लिखने वाला गंग शासक था माधव प्रथम, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक थे बीटा प्रथम, जिसने नलकोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी थी अंकोंड। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था गणपति। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थापित कर ली थी। इस वंश का अंतिम शासक हुआ प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्र, 1295 से 1323 ईस्वी तक। चलिए, तो हम देख चुके हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। अब बात करते हैं सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। 750 ईस्वी में इसने स्थापना की। इस वंश की राजधानी थी मुंगेर। गोपाल वंश जो था, गोपाल था, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उदंतपुरी। पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, फिर हुआ देवपाल, नारायणपाल, महीपाल, नयपाल। पाल वंश का सबसे महान शासक हुआ धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। याद रखिए, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था जो,
इसमें शामिल थे पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच था। पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम इसमें धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं सदी की गुजराती कवि सोडठल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी। ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक वालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। ठीक है, गोंडी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय हुआ। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग सेन वंश, किसके बारे में, सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी, राड में की थी। इसकी राजधानी नादिया लखनौती थी। सेन वंश के प्रमुख शासक थे विजय सेन, वल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक हुआ विजय सेन, जो शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक, दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक वल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण कराया था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्रह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर शिव की विशाल मंदिर की स्थापना करवाई थी। सेन राजवंश का प्रथम राजवंश था, जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण कराया। याद रखिए, सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। फिर बात करते हैं हम लोग कश्मीर के राजवंश के बारे में। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश का कालक्रम इस प्रकार था, कारकोट वंश, उत्पक वंश, लोहार वंश। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश हिंदू वंश की स्थापना की। हेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ ललितादित्य मुक्तापीठ। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितापीठ मुक्तापीठ के द्वारा बनवाया गया था। याद रखिए, मार्तंड मंदिर कश्मीर का किसने निर्माण करवाया, ललितादित्य मुक्तापीठ ने। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक था अवंती वर्मन। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। ठीक है, अवंती वर्मन की अभियंता सोय ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। पल्लव वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने फिर शासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हुआ हर्ष विद्वान। कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था ये लोहार वंश शासन जो हर्ष विद्वान था। कलहड़ हर्ष का आश्रित कवि था। जरसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कलहण की राज तरंगनी का विवरण समाप्त हो गया। अब बात करते हैं कामरूप का वर्मन वंश। 14वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश का की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्य वर्मन था। इसकी राजधानी प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया था। ठीक है,
चलिए, तो हमने देख लिया सीमावर्ती राजवंशों का अभी इधर, अब बात करते हैं हम लोग राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। नए राजपूत राजवंशों को देखते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं गुर्जर पिथिहार वंश। मालवा का शासक नाग भट्ट प्रथम गुर्जर पिथिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट सेकंड को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद द्वितीय ने हराया था। पिथिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा हुआ मेहरभोज था। मेहरभोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी। राजशेखर पिथिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का गुर्जर पिथिहार वंश का अंतिम राजा हुआ यशपाल 1036 ईस्वी में। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। अब बात करते हैं गहड़वाल राठौर राजवंश। गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी थी वाराणसी काशी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुआ गोविंद चंद। इसका मंत्री था लक्ष्मीधर। शास्त्रों का प्रकांड पंडित था लक्ष्मीधर, जिसने कृत कल्प तरु नामक ग्रंथ लिखा। गोविंद चंद की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाई। पृथ्वी तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक हुआ जयचंद, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में मार डाला था। उसके बाद बात करते हैं हम लोग चाहमान या चौहान वंश के बारे में। चौहान वंश का शासक संस्थापक था वासुदेव। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी थी अहिच्छत्, बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और इसे राजधानी बनाया, इसे अजमेर को। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ वेसल देव हुआ, जिसने हरि केली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंदवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। इसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। इसकी चंदवरदाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराई का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुआ और गौरी की हार हुई। फिर हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, इसमें गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। अब बात करते हैं परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुआ राजा भोज। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नेस धीय चरित के लेखक थे श्रीहर्ष। ये प्रबंध चिंतामणि के लेखक मिरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्प तरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उसके उपयोग का उल्लेख है। नौ साइंस साकृत चरित के रचयिता पद्मगुप्त। 10 रूपक के रचयिता थे धनंजय। धनी कलाय हलायुत एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्पति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। राजा भोज ने कविराज की उपाधि धारण की थी।
भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? याद रखिए, राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? भोज ने। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चाहमान वंश का और अंत में 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। अब बात करते हैं चंदेल वंश के बारे में। इतिहास साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जिजागुप्ती है। इतिहास साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास हुआ। बुंदेलखंड की का प्राचीन नाम जिजागुप्ती है। याद रखिए, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? जिजागुप्ती। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नूप था 831 ईस्वी में। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कलिंजर महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा हुआ यशोवर्मन। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर पीतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित कराया। धंग ने जिन्ननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव ने के द्वारा 999 ईस्वी में कराया गया। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के पीतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनीवी की महत्वाकांक्षी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल शासक कीर्ति वर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंदोदय की रचना की। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया था। आला उदल नामक दो सेनानायक परमर्दी देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? परमर्देव 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी परमर्दी देव ने। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। अब बात करते हैं सोलंकी वंश या गुजरात अथवा गुजरात के चालुक्य शासक के बारे में। सोलंकी वंश का संस्थापक मूल राज प्रथम था। इसकी राजधानी अन्हिलवाड़ थी। मूल राज प्रथम शिवधर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। किसके काल में? भीम प्रथम के शासनकाल में। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक हुआ जयसिंह सिद्धराज। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मुड़ेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के
सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। सिद्धपुर में रुद्ध महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल ने जैन मतानुयायी था वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक हुआ भीम द्वितीय। भीम द्वितीय के एक सामंत लवड़ प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया। अब बात करते हैं कलचुरी चेदी राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कुक्कल था। इसकी राजधानी थी त्रिपुरी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगदेव था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्य काल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश सबसे महान शासक कर्ण देव था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी दरबार में रहते थे। अब बात करते हैं हम लोग सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। अपने विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। खतौली का युद्ध कौन सा खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सागा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान को देख रहे हैं, उसमें हम लोग प्राचीन भारत को देख चुके हैं इस लेक्चर में।